सामान्य संदेश भने सबै दर्शकको फाइदा हो। यो सबै वार्ता गर्नु सुशील एक्ट मेगा पार्टी हाटमा हात दिएर आज हम उसी बात करते हैं जो इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किए हैं। 30 शहरों से यहाँ पर और कुछ हमारे लोग हैं जिन्होंने अपना भाग ले आया है हमारे बीच इस कार्यक्रम के आयोजन किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर वो पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इसी तरह अपने भारत में जो मेट्रो सिटी है वहाँ से लोग यहाँ आए हैं और उनको एक हर कैटेगरी में लोग दिया गया और सम्मान दिया गया है। जो हर क्षेत्र से चाहे अपने पत्रकार क्षेत्र हो, सोशल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से अलग अलग लोग दिया गया। पंजाब से कौन बंसल है, रांची से मनोहर जी है, हरी चटी साहब है, अपने नेपाल से आए हुए, इसी तरह 31 सिटी से यहाँ पे रही है। सूरत शहर में ये रोड प्रोग्राम सब लोग आए हैं। सर ये मोटर बस अपने जो अच्छा समाज के लिए जो अच्छा काम करे उनको प्रोत्साहित के लिए ये अवार्ड रखा गया है। सर आपको ये जो अवार्ड मिला है इस अवार्ड को मिलने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद। सर ये जो अवार्ड आपको मिला है इस अवार्ड आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? भाई सबसे पहले तो मैं नेशनल एंटी क्राइम की पूरी नेशनल टीम को, मुझे जो ऑनर चेयरमैन है लाबा साहब और जो इस प्रोग्राम को इस प्लेटफॉर्म पे एक पूरी ऑल ओवर इंडिया से 31 स्टेट से जो पीस मेकर और ह्यूमनिस्टों को जिस एक शख्सियत ने जिसका नाम चौकत मिर्ज़ा है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ हम सब लोगों को इकट्ठा किया है उनका मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इस तरीके से इंडिया से जो पीस मेकर हैं और ह्यूमनिस्ट जो लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं आगे भी वो ऐसे प्रोग्राम करके उन लोगों तक तो उन लोगों को उनके हौसले की अफजाई करते हैं। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है फाकिर मिर्ज़ा साहब है, सदर मुस्तफ़ा साहब और जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं सबको मैं हार्डली थैंकफुल हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं जो सोशल कॉज के लिए, अच्छे कॉज के लिए खड़े समाज में, उनको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे का एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने का मौका मिलता है और इसके द्वारा वो एक ऐसे मंच पर खड़े होते हैं जहाँ पे वो शेयर करते हैं चीज़ों को और इससे उनको प्रोत्साहित मिलता है कि वो और आगे जाके कुछ अच्छा करें देश के लिए। सबसे पहली बात तो मैं आपसे जोड़ा जाऊँ कि आप पंजाब से करके आए हैं और बहुत छोटी उम्र है आपसे 25 ईयर्स की है और 25 ईयर्स में आपका इतना बड़ा अचीवमेंट रहा है, इसके लिए सर आपको क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं शौकत भाई साहब को जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंकफुल हूँ उनका जो इन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। इन्होंने मेरे स्किल्स देखे कि मैं इस लाइक हूँ तो जो है ये पूरी टीम को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा और मैं मतलब ये भी कहूँगा कि मैं पूरे होश और आवाज में ये कहना चाहूँगा मैं मतलब आगे बढ़ूँगा और काम करके दिखाऊँगा और जितना हो सके। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ के लोग हैं जो कम उम्र से लेकर के बहुत ज़्यादा उम्र दराज के लोग हैं जो समाज से भी हैं और ऑलरेडी कहीं ना कहीं मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, ये लोग जो है अवार्ड को दिया गया और उनको सम्मानपूर्वक सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम को मैं यही चाहूँगा कि हमारे बीच में एक नए यहाँ पे नाम सर आपका? मेरा नाम दिवस राम। दिवस राम जो आज हमारे यहाँ प्रोग्राम जो किया गया है हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन मिस्टर साहब
हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है जो आज हम लोग ने जो ये वाइस प्रेसिडेंट दिया हुआ है अवार्ड जो दिया हुआ है प्रेसिडेंट अवार्ड जो दिया हुआ है तो आगे और नुकसान हो आगे और काम कर सके जो सेलेक्टिविटी हो और सही ढंग से काम करें। कुछ देर पहले हम लोग मीटिंग में बैठे थे और हम लोग कुछ मान हस्ती और लोग आए थे किस तरीके से हम लोग काम करना है और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए देश के लिए समाज के लिए उसके विषय में। आइए हम मुलाकात कराते हैं आज हमारे बीच में समय नेशनल के जो चीफ एडिटर हैं अरुण कुमार गुप्ता जी जो मुंबई से चल के आए हुए हैं और ये ट्रॉफी से इनको सम्मानित किया गया। सर आप बताइए ये ट्रॉफी मिलने के बाद ये पूरा गुजरात और जो सूरत शहर है आपको क्या फील हो रहा है कि ये सूरत शहर? बिल्कुल खुशी तो बिल्कुल हो गई क्योंकि ऑफिशियली मीडिया पार्टनर समय नेशनल पूरे कार्यक्रम में रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शौकत मिर्जा जी का खास करके जो पूरे एंटायर पंजाब से युवा है वो मेरे साथ मैं इसका फैन हो गया और मैं चाहता हूँ ऐसे युवा प्रतिभा जिनके पास है शौकत जी भूल के रहिए बड़े मंच को सम्मान कीजिए क्योंकि ये देश का भविष्य है क्योंकि वो उस नाम के आगे मेरा नाम जुड़ा है वो वरुण है मैं अरुण और खासकर सर इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष महोदय आपका मेरे पास आइए मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने उनको चुन के निकाला शौकत मिर्जा को। मेरा 8 दिन का लाइव है आज से मैं पहले दिन का लाइव छोड़ के मुंबई से सूरत आया हूँ। ये प्यार है इनका जो पिछले 1.5 महीने से लगातार फॉलोअप पे थे और एंटायर टीम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा चाहे वो पंजाब से हो हरियाणा से हो यूपी से हो बिहार के झारखंड से। एक एंटायर टीम मैं जब आ रहा था तब मैं ये सोच रहा था कि जो 30 शहरों का नाम लिया गया है क्या वाकई में शौकत मिर्जा 30 शहरों से लोगों को बुला पाएगी ये मेरे मन के अंदर का सवाल था। और जब मैं दोपहर को आया तो पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन देख के मैं समझ गया कि शाम तक सभी जन पहुँच जाएंगे। शौकत जी आपकी पूरी टीम को क्योंकि आप एक अनाउंसमेंट भी है समय नेशनल की तरफ से क्योंकि इन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का एक पदवी दिया जा रहा है समय नेशनल की जवाबदारी इनके पास दी जा रही है। सर आपको भी पूरा इसका जिम्मा है आपके साथ में मैं एंटायर टीम शौकत जी के साथ में सभी जुड़े हुए खास करके जो होस्टिंग कर रहे थे काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया क्योंकि वो आईना होता है जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे उस तरह से कार्यक्रम सफल होगा। और एंटायर टीम सभी जन ऑल इन सुनने क्या बोलो मुंबई से मेरे करीबी मित्र आए हैं सभी जन ये प्रेम और स्नेह लगातार बना रहे समय नेशनल हर कड़ी हर मुकाम हर सामाजिक कार्यों में अग्रसर है अग्रसर रहेगा और हमेशा आप सबके बीच रहेगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज हमारे बीच में मुंबई से चल के युवा पत्रकार संघ के अध्यक्ष माननीय श्री महेश गुप्ता जी हैं। सर आप भी मुंबई से आए हैं और ये इतना बड़ा अवार्ड का जो फंक्शन का कार्यक्रम हुआ है आपको क्या फीलिंग हो रही है कि सबसे पहले तो मेरे मित्र शौकत मिर्जा जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमारे युवा पत्रकार संघ को उस लायक समझे जो कि एक पत्रकारों की एसोसिएशन है उनके हित में हमेशा किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार या कोई भी बात होती है तो हम निरंतर उनके लिए लड़ाई लड़े हैं और शौकत जी ने हमें युवा पत्रकार संघ को नॉमिनेट किया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और समय नेशनल के दर्शकों को भी धन्यवाद कहूँगा मैं। और आज इस मंच पर सभी धर्म और जाति और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के लोगों को नॉमिनेट किया गया अवार्ड दिया गया तो उसके लिए शौकत जी वाकई में बहुत बहुत तारीफ वाला काम किया उन्होंने इसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका मेरा नाम निहार सरसवाला है। ये एक जो फंक्शन हुआ है ये फंक्शन में आपको ट्रॉफी और शील्ड मिलने के बाद आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली हम लोग सूरत में काफ़ी सालों से सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसके लिए जो राजपूत जो संस्था है सिक्वा मीडिया है RSA है जिन्होंने आज सराहा है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा बहुत अच्छा फेलिसिटेशन किया गया सब लोगों का इतने बड़े तादाद में इतने लोग आए थे प्रोग्राम को देखने और प्रोग्राम को में अवार्ड लेने के लिए तो ये सब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं शौकत भाई खास करके बहुत ही बधाई के पात्र हैं। समय मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ कि इतनी अच्छी तरह से पूरा प्रोग्राम कवर किया और इतनी अच्छी तरह से मतलब सबको एक एक लोगों को आपने इंटरेस्ट लेके इंटरव्यू किया मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। सर शौकत भाई के दिमाग में ये जो बात आई मीडिया को प्रोत्साहित करने के लिए मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मीडिया पे ऐसे आरोप लगे रहते हैं मीडिया बिकी हुई है मीडिया ऐसा करती है एक तरफा करती है लेकिन मीडिया में जो दामाद
पत्रकार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एडिटर हो, वो जाबाज तरीके से जो इस चीज़ को पब्लिश करते हैं, उस जाबाजी को प्रोसेस करने के लिए इन्होंने जो ये कार्यक्रम रखा है, उससे मैं भी बहुत इम्प्रेस हुआ कि उससे मतलब क्या कि निडरता बढ़ेगी मीडिया क्षेत्र में, कि भाई ठीक है हमारे पीछे भी समाज है। मेरे तो एक छाप थी कि भाई मीडिया बिक जाता है, मीडिया एक कभी बताता है, वो नहीं है। लेकिन इसमें जो ये उन्होंने प्रोसेस करने के लिए कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं शोकर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम और भी पूरे देश में हो तो मीडिया में 100% अच्छी बातें आएंगी। आज हमारे बीच में डॉक्टर निमेश पाटलीवाला, सॉरी सर, डॉक्टर निमेश पाटलीवाला हमारे बीच में है। ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये जो फंक्शन का आयोजन किया गया है, आपको कैसे लगा? आप छोटा सा क्या देना चाहिए? आज ज्वेल ऑफ नेशन, ज्वेल ऑफ नेशन अवार्ड 2017 का जो आयोजन हुआ है, उसमें मुझे ड्यूटी दिया गया था कि भाई जो ज्वेल आए हैं पूरे देश से, उनके चेहरे पे स्माइल लाना था, और वो काम मुझे दिया गया था। मैं अच्छे ढंग से आपने निभाया उसे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये सवाल आज की रात है जिंदगी, जो अमिताभ बच्चन जी का प्रोग्राम आता था, वहाँ पे भी इसी तरह से ज्वेल ऑफ नेशन को बुलाया जाता था और उनको फेलिसिटेट किया जाता था। तो मैं ऑडियंस में बैठा था और तब जो मुझे सवाल पूछा गया कि भाई लोगों को अगर कुछ मैसेज देना है तो क्या देंगे, तो वहाँ जो मैसेज दिया था वही मैं आज वापस देना चाहता हूँ कि अगर आपको होना है सुखी तो कोई कर नहीं सकता है आपको सुखी, पर अगर आपको रहना है सुखी तो कोई कर नहीं सकता है आपको सुखी। अरे ये स्कूल डेज से सीखा है, और ये बेसिकली करने का मेन पर्पज यही है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, क्योंकि मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि भाई अगर आप बस नहीं सकते हैं तो खाली मिरर के सामने खड़े रह के स्माइल करेंगे तो भी आपके ब्रेन में एंडोर्फिन ज्यादा रिलीज होगा और उससे आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। तो आज पूरे देश के जो ज्वेल आए थे उनके चेहरे पे स्माइल लाने का सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम का आयोजन यहाँ किया गया, ये बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग हुआ था और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, और इस तरह से प्रोग्राम आगे और होते रहे, और जो युवा प्रतिभा है और अपने सारे जितने भी भारत में सब स्टेट में सब सिटी में जैसे जो भी प्रतिभा है उसको प्रोत्साहन दे के ऐसे आगे लाएंगे तो भारत के भविष्य में कुछ अपन अच्छा प्रदान कर पाएंगे। जी सर, उदयपुर से आप स्पेशली चल के आए हैं और छोटा उदयपुर से? हाँ, मैं छोटा उदयपुर महाराजा ऐश्वर्य प्रताप सिंह, और मैं आज ये खास ही प्रोग्राम में आया हूँ, और खास शौकत भाई और उनकी टीम और उनके साथ जो प्रोग्राम हुआ है, विजय भाई लतीफ़ भाई उनके साथ जो प्रोग्राम हुआ है, और काफ़ी दिलचस्प प्रोग्राम है, बिकॉज ये प्रोग्राम लोग जागरूक के लिए है और लोगों में इतना अंदर से वो फीलिंग है कि ये ऐसा प्रोग्राम साल में एक दो बार ऐसा हो जिससे लोग जागरूक हो और लोगों में अवेयरनेस आए, और इतने काफ़ी मतलब सब कुछ काम हो रहा है कि मतलब लोगों में क्या है चल रहा है, बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बेसिकली इतना सब क्या बोल रहे हैं अपने जो मतलब नए नए काम हो रहे हैं, मतलब उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं तो बेसिकली ज्वाइंट हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे लोग अपने साथ मिलके ऐसा अवेयरनेस वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड बैनर फॉर देम। वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है और ज़रूरी है ताकि लोगों को पता पड़े कि भाई हम लोग आगे क्या कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग डन बाई दिस पीपल, एंड आई थैंक
all the team of the awards function and everybody to do so and such a beautiful function, and it's a very nice. They've done it very nicely, and in fact it's a very good awareness program. और वो लोग अच्छे से कर तो अभी आपने कुछ लोगों से आपने देखा कि जो ये कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारे खुश हैं, सारे उन्होंने भाई चलो बड़ा जाए और इस कार्यक्रम को इसी के साथ कैमरामैन अमरजीत के साथ ललन बनी